अब हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। इन टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंट्रीज एग्रीकल्चरल सेक्टर इज इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स। किस किस एरिया में? रिसर्च में, एक्सटेंशन में एंड एग्री बिजनेस सिस्टम में। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? जो लोग जो तुम्हारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो इंसानों पर ही तो डिपेंड करता है, वो इंसानों की टेक्निकल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। किस किस एरिया के अंदर? रिसर्च के अंदर। किस तरीके की रिसर्च हो रही है? अगर बंदा टेक्निकली साउंड है तो रिसर्च अच्छी करेगा। एक्सटेंशन में अगर बंदा नॉलेजेबल है तो वो एक्सटेंशन में जाके हेल्प भी कर पाएगा। एग्री बिजनेस सिस्टम में अगर बंदे के प्रोडक्ट अच्छे हैं और बंदे को मार्केटिंग करनी आ रही है तो वो अपना बिजनेस भी इंप्रूव कर पाएगा। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं वो इंसान जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वर्क कर रहे हैं उस एरिया को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। हायर एजुकेशन फैसिलिटीज, ये जो हायर एजुकेशन होती है, जो आपकी एमएससी हो गई, पीएचडी हो गई, पोस्ट डॉक्टरेट हो गई, बीएससी हो गई, ये सारी चीजें जो हैं ये हेल्प करती हैं टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में और उसके ट्रांसफर में। अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो वो ट्रांसफर भी होगी। अगर ट्रांसफर होगी तो उसका यूटिलाइजेशन भी होगा। यूटिलाइजेशन होगा तो उससे नेशन जो है उसको सपोर्ट भी होगा, उससे नेशन की एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव भी होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये डिपेंड करती हैं हायर एजुकेशन के ऊपर। तो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड द टेक्निकल ट्रेनिंग एंड डेवलप फ्यूचर रिसर्चेस, येट एग्रीकल्चरल एजुकेशन एट द टर्शरी लेवल हैज टेंडेड टू बी निग्लेक्टेड इन रिसेंट ईयर्स एज द अटेंशन ऑफ एजुकेशन प्रोफेशनल फोकस्ड ऑन द प्राइमरी लेवल। अभी हम प्राइमरी लेवल पर ही एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इतना ध्यान दे रहे हैं कि हमने टर्शरी लेवल जो है उस लेवल के ऊपर एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान देना शुरू किया है। तो ये चीज हमारे को इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अनडाउटेडली अ स्ट्रॉन्ग प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू फेस फूड सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी इशू। प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड्स अ गुड रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट बट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैव अ स्पेशल रोल टू प्ले इन एड्रेसिंग अ सोसाइटीज फूड सिक्योरिटी नीड बिकॉज ऑफ देयर एडवांटेज इन बेसिक एंड अडेप्टिव रिसर्च। अंडरस्टूड सी बात है, प्राइमरी एजुकेशन तो बहुत जरूरी है भाई, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बहुत जरूरी है। अगर प्राइमरी एजुकेशन होगी तो ही तो आप पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाओगे, फूड सिक्योरिटी को एड्रेस कर पाओगे। लेकिन जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक अलग से रोल है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनका मेन काम जो है वो एजुकेट करना ही नहीं है, साथ में रिसर्च को भी बढ़ावा देने का है। अगर ये सोच के चल रहे हो कि ये सिर्फ एजुकेट करके साइंटिस्ट निकालते जाएंगे तो ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट ऐसे नहीं निकलते हैं। अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करे हैं बीएससी एमएससी लेवल के अंदर तो आपने आप किस टाइप के साइंटिस्ट हो, आप समझ रहे हो। हाँ तो सर, ये जो काम होता है इन यूनिवर्सिटी का, इन लोगों को अपना जो लिंकेज है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं इनको अपना लिंकेज प्राइवेट सेक्टर के साथ में और एनएआरआई के साथ में इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटीज जो होती हैं ये अपना इंडिपेंडेंट टॉपिक ले सकती हैं रिसर्च का, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया के अंदर कंपाइलोबैक्टर के ऊपर बहुत कम जने काम कर रहे हैं, तो कंपाइलोबैक्टर के ऊपर अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो वो अपना वर्क कर सकती है, पर उसके लिए फिर वही बात आ जाता है कि फंड्स नहीं है। तो अगर फंडिंग नहीं होगी तो बिना फंडिंग के यूनिवर्सिटीज काम नहीं करेंगी। कभी कभी क्या होता है कि साइंटिस्ट के पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं लेकिन क्योंकि फंडिंग एजेंसी को लगता है कि वो जो आइडिया है वो उस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी के गोल से एसोसिएटेड नहीं है तो वो उसको फंडिंग नहीं करता है। तो इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो सपोज करो तुम लोग वेजिटेरियन हो और तुम्हारे को एक पार्टी देनी है और उस पार्टी के अंदर नॉनवेज बनना है, तो तुम लोग क्या कहोगे कि यार नॉनवेज बनने के लिए तो हम पैसा कैसे देते हैं, खाना तो हमें नहीं है तो हमारा गोल भी नहीं है।
पर उससे ये है कि जिसको पार्टी देनी है वो जो पूरे ग्रुप को कोई एडवांटेज दे रहा है किसी टाइप का, है ना। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं अगर उनके गोल से, ये फंडिंग एजेंसीज जो होती हैं अगर उनके गोल से कोई चीज एसोसिएटेड नहीं होती है तो वो लोग फंडिंग नहीं करते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंडिंग एजेंसी का गोल बहुत ज्यादा एसोसिएट करता है आपके टॉपिक से, लेकिन आप उस चीज को समझा नहीं पाते। आपने जो रिसर्च प्रपोजल लिखा है वो रिसर्च प्रपोजल आप ढंग से ना बता पाते हो सामने वाले को, ना उसको समझ में आता है, और आप जो अपने की पॉइंट्स हैं सिर्फ वो बता दिए लेकिन उसके एडवांटेजेस क्या होंगे ये नहीं बता पाए, तो आप वहां फंस जाते हो। आप समझ रहे हो, हाँ तो सर, इंस्टीट्यूट जो है इन सबको, इनके अंदर ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मैन पावर होनी चाहिए और इतने ज्यादा समझदार लोग भी होने चाहिए जो कि इन सारी चीजों को समझते हुए अपना काम आगे बढ़ा सके। प्राइवेट सेक्टर देखते हैं अपन, अब अपन प्राइवेट सेक्टर देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज ग्रोन इन रीसेंट ईयर्स बट वेरीज विद द लेवल ऑफ ईच कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी, पेटेंट्स एंड प्लांट ब्रीडर्स राइट लेजिस्लेशन एंड वेरियस मार्केट फैक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी इसमें काम करता है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की खुद की भी बहुत सारी मुसीबतें होती हैं। अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुअर है तो आपका प्राइवेट सेक्टर कैसे इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि उसको फंड भी नहीं आएंगे। प्राइवेट सेक्टर को फंड कौन करेगा, गवर्नमेंट ही तो करती है, गवर्नमेंट फंड कहाँ से करेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर गवर्नमेंट का अच्छा होगा तभी तो वहां पे फंडिंग अच्छी होगी। ये जर्मनी है, यूके है, यूएस है, इन सब जगह पे ये यूनिवर्सिटीज को पैसा कहाँ से आता है, सीट से आता है और गवर्नमेंट की तरफ से आता है। हमारे यहाँ पे प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, यहाँ से तो प्राइवेट वाले को अपने आप खुद से करना पड़ता है। पॉलिसी एनवायरनमेंट जो है, अगर पॉलिसी एनवायरनमेंट आपका पुअर है कि भाई प्राइवेट सेक्टर ये काम नहीं कर सकती, सिर्फ यही काम कर सकती है, तो फिर कैसे इंप्रूवमेंट होगा। अब तुम देखो, एक अपने रूल है कि COVID-19 के ऊपर ओनली BSL 3 ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क। अब अगर मेरे पास BSL 3 है, BSL होता है बायो सेफ्टी लेवल की, एक बायो सेफ्टी लेवल्स होते हैं लेबोरेटरीज के, BSL 1 जो आपकी नॉर्मल लैब होती है, BSL 2 जिसके अंदर पैथोजन जो है वो ह्यूमंस को डिजीज कॉज कर सकता है सिवियर लेकिन वो एयरबॉर्न नहीं होता है, और BSL 3 वो लेबोरेटरी होती है जिसके अंदर पैथोजन जो है वो ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज कर सकता है सिवियर लेकिन वो एयरबॉर्न हो सकता है। अगर वो एयरबॉर्न जो बैक्टीरिया है या पैथोजन है या वायरस है या फंगस है, अगर वो एयरबॉर्न है और आपने BSL 2 में उसके साथ काम करना स्टार्ट किया तो वो तो हवा में निकल के 10 जनों को कंटेमिनेट करके डिजीज कॉज कर देगा, है ना भाई। तो उस सर चक्कर में क्या होता है, गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं और वो रूल ये कहते हैं कि आप सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही BSL 3 चीजों के ऊपर काम कर सकते हो, कुछ सब पे नहीं, कुछ। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसीज अगर बाहर की कंट्रीज जो है उसके अंदर ये पॉलिसीज के अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू देम ये जो आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये BSL 3 के ऊपर वर्क कर सकती हैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ माइक्रोब्स के ऊपर। इंडिया में ये जो नंबर है ये थोड़ा सा कम है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो इनके ऊपर ज्यादा काम नहीं कर पाता है। फिर आपके राइट्स हो गए, रूल्स हो गए, मार्केट फैक्टर्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो है ये प्राइवेट सेक्टर को होल्ड करके रखती है। ठीक है ना, तो प्राइवेट सेक्टर रिसर्च इन जर्म प्लाज्म इंप्रूवमेंट फॉर फूड एंड नॉन फूड क्रॉप हैज बीन सिग्निफिकेंट। इनका जर्म प्लाज्म का जो इंप्रूवमेंट है फूड एंड नॉन फूड क्रॉप के ऊपर ये काफी अच्छा हुआ हुआ है। इनका इन्वॉल्वमेंट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट रिसर्च जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि हाई रिस्क एंड नॉन एक्सक्लूसिवनेस ऑफ द रिसर्च रिजल्ट। सवाल तो ये है ना कि
जो पे कर रहा है उसको ही का रिजल्ट मिलेगा कि जो बाकी जनता है उसको भी मिल जाएगा। सो बट हाउएवर बिकॉज ऑफ द फंडिंग प्रॉब्लम फेसिंग पब्लिक सेक्टर रिसर्च इन डेवलपिंग कंट्री, द प्राइवेट सेक्टर विल हैव टू प्ले एन इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट रोल इन अप्लाइड एंड अडैप्टिव रिसर्च इन फ्यूचर एज इकोनॉमिक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड एग्रीकल्चर बिकम्स मोर कमर्शलाइज एंड डिपेंडेंट ऑन परचेज इनपुट, द स्कोप ऑफ फॉर प्राइवेट सेक्टर रिसर्च विल इंक्रीज। जैसे जैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर को भी हमारे को समझ में आ रहा है कि भाई चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद भी डिपेंड कर रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज के चक्कर में, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अब धीरे धीरे ध्यान बढ़ रहा है। इंडिया में भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो धीरे धीरे करके इमर्ज हो रहा है। फिर अब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की। तो न्यूमरस टाइप ऑफ एनजीओस हैव प्रूव्ड इफेक्टिव इन वर्किंग एट द फार्मर एंड कम्युनिटी लेवल। दीज ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज इंटरमीडिएरीज बिटवीन डिसएडवांटेज रूरल हाउसहोल्ड एंड रिसर्च डोनर फाइनेंशियल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। देयर फ्लेक्सिबिलिटी इन फॉर्मेलिटी सोशल कमिटमेंट एंड पार्टिसिपेटरी स्टाइल आर स्पेशली सुटेड फॉर द कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ रूरल डेवलपमेंट एम्ड एट एलिवेटिंग पॉवर्टी पर्टिकुलरली इन कंट्रीज वेयर स्पेशल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में रेंडर गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसीज अनरिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ पुअर। एनजीओ काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर पा रही है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा एडवांटेज ले रहा है। अफगानिस्तान अगर तुम देख लो, वहां पर गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है ढंग से। पाकिस्तान की हालत तुम जानते ही हो क्या हो रही है। अमेरिका की तुम देख रहे हो, वहां पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है ना। तो ये जो एनजीओ हैं ये बीच का काम करते हैं, इनका जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके से काम करते हैं, जो इनकी कमिटमेंट का तरीका है, किस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर काम करेंगे, जिस तरीके से ये काम करते हैं, कुछ एनजीओ तुमने देखा होगा घर घर जाके पोलियो की दवाई पिलाया करते थे, कुछ थे जो कि मार्केट में पोलियो के अगेंस्ट वो बताते थे लोगों को कि पोलियो ऐसा है, उसको दवाई मिलाने पिलाने से कोई वो नहीं होता, बच्चों को एडवांटेज ही होता है, नुक्कड़ नाटक और ये सब चीजें। तो इनका काम करने का तरीका जो है ये बहुत अलग है। अब तुम गवर्नमेंट से तो ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो नुक्कड़ नाटक करे, करना तो चाहिए गवर्नमेंट को भी, ऐसा नहीं है। प्राइवेट वालों से अगर तुम प्राइवेट वालों को नुक्कड़ नाटक करेगा तो वो फिर हंसी का पात्र बनने के चांसेस होते हैं उसके भी, है ना। तो ये एनजीओ जो होती हैं ये इस तरीके से बीच बिचाव का काम करती हैं। अब अ फ्यू इंटरनेशनल एनजीओ हैव आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट फोर्स इन अडैप्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, वेर एज लोकल एनजीओ आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर रूरल पीपल इन कंट्रीज विथ सिवियर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एनजीओ मे हैव अ मच स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस देन अदर एक्टर्स एंड आर अ वैल्यूबल लिंक इन द रिसर्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंटिन्यूम। They also have an increasingly important role in implementation of new technologies. सोचने की बात है, अगर political instability है किसी particular area के अंदर तो वहां पे NGOs बहुत ज्यादा support करती हैं, बहुत ज्यादा help करती हैं। आई बात समझ में? फिर यहाँ खत्म करें। जो चीज हम कोशिश कर रहे हैं समझने की वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये सेंटेंस हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं अपन। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप अकेले काम करने की कोशिश करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे। आपको इंटरनेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे एक कोलैबोरेशन की जरूरत होती ही होती है। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि हम अकेले सारा काम कर लेंगे तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी है।
तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज के एनएआरएस थे, ये पहले क्या होता था कि ये पब्लिक सेक्टर के जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते थे, ये इनको सेक्टर्स को कंट्रोल किया करते थे, डोमिनेट किया करते थे कि इंस्टीट्यूट के थ्रू ही सारा काम होगा। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये खुद ही प्रॉब्लम फेस करते थे। जो वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती थी, वो जो वही प्रॉब्लम्स होती हैं जो सारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस फेस करती हैं। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर किसी ने डिसाइड कर रखा है कि भाई मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है और मेरी नौकरी परमानेंट है, तो मैं तो इसी पे ही काम करूंगा, मैं डाइवर्ट करना चाहता ही नहीं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होती है, ये तो आपको भी पता है। फिर यस क्लाइंट की क्या डिमांड है, क्लाइंट की डिमांड का तो हमें पता ही नहीं है भाई। हमारे को तो हमारे काम से मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारे को हमारा ही काम करना है, हमारे को क्लाइंट की डिमांड से कोई लेना देना नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, फंडिंग आते ही नहीं है। जब फंडिंग ही नहीं होगी तो तुम रिसर्च कैसे करोगे, ठीक है ना? सो इट इज इम्पेरेटिव दैट दीज इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस बी एड्रेस्ड। द ग्लोबल रिसर्च सिस्टम विल नॉट बी इफेक्टिव विदाउट स्ट्रॉन्ग एनएआरआई। अगर इंस्टीट्यूट ही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो ये सारी वीकनेसेस को झेल रहा है, तो जो ग्लोबल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। देखो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हाँ और अगर एक भी बूंद अगर उसमें खराब निकली तो वो पूरे पानी को खराब खराब कर सकती है। वो ये ना कि एक मछली पूरे तालाब को मछली गंदा कर सकती है, वही सारी चीजें। तो हाँ एक इनकी एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए। किस किस के बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए? यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट सेक्टर के साथ में। ये जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ये आपके इनसाइड एंड आउटसाइड कंट्री दोनों जगह से होने चाहिए। दे ऑल्सो नीड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जनरेटिंग टेक्नोलॉजीज नीडेड इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो इस पे जिम्मेदारी पे एक बात याद आई थी, वो मैं तुम्हें इसके बाद बताऊंगा। फिर वी आर वेल प्लेस्ड टू कैरी आउट अप्लाइड एंड अडैप्टिव रिसर्च, टू वर्क ऑन फार्मिंग कम्युनिटीज एंड आइडेंटिफाइंग रिसर्च नीड्स फॉर द फ्यूचर, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर इंस्टीट्यूशन विद इन द एनएआरएस, एंड टू प्रोवाइड फीडबैक एंड सपोर्ट टू नेशनल डेवलपमेंट प्लान एंड पॉलिसी। भाई इनकी जो लोकेशन है, यहाँ पर ये बैठते हैं, इनकी जो पोस्ट है, जिस टाइप के लोगों से ये मिलते हैं, जिस टाइप की इनके पास रिसर्च की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, इनको पता है कि भाई हम लोग आने वाले टाइम पे हमारे को इस पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इनको पता है एनएआरएस को कि हमारे को आने वाले टाइम पे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। इनको अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट आ रही है बार बार, तो हम उसको पॉलिसीज में और प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को हम बोल सकते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इस पर्टिकुलर इश्यू को बार बार फेस करा जा रहा है, इस कारण से आप प्लीज एक ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे कि ये इश्यू जड़ से खत्म हो जाए। ये जितने भी आपके एनएआरआई हैं, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ये सारे के सारे इन सारी पॉलिसीज के ऊपर ध्यान दे सकती हैं। इनके पास कैपेबिलिटी है, इनके पास एडवांटेज है इन सब चीजों का, और ये इन्फ्लुएंस कर सकती हैं पॉलिसीज को। इन जनरल दे आर फेस्ड विद सेवरल चैलेंजेस। They need a strong and effective extension mechanism to transfer their technology to users and to provide feedback to scientists and research administrators. सबसे बड़ा चैलेंज इनका यही है कि इनके पास एक्सटेंशन वाले बहुत कम है। इनको ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे कि ये एक्सटेंशन जो है, ये और ज्यादा स्ट्रांग होता जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती जाए, और उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई उसका फीडबैक मिलता जाए। अब एक पर्सनल एक बात बताओ, अगर आप कोई अच्छा सा खाना बनाते हो और उसमें नमक कम है और आपको फीडबैक है ना मिले, तो आपने तो भले से 10 घंटे की मेहनत करके वो खाना बनाया है, लेकिन नमक कम होने के चक्कर में वो बेस्वाद हो गया। हाँ
अगर आपको फीडबैक ही नहीं मिलेगा तो फिर आप उसको इम्प्रूव कर कैसे नहीं करोगे, पाएंगे, है हाँ इम्प्रूव नहीं कर ना? पाएंगे। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, उसमें नमक वमक सब कुछ अच्छे से है, लेकिन जितनी देर में वो खाना टेबल पे पहुंचा, तो जितनी देर में वो खाना तुम्हारे पास पहुंचा उतनी देर में वो ठंडा हो चुका था, तो उसका भी कोई तुक नहीं बैठता है, आप समझ रहे हो? हाँ, तो ये चीज होती है। तो दोनों तरीके का आपके पास फीडबैक होना चाहिए, एक जो रिसर्च है वो ऊपर जानी चाहिए, दूसरी जो रिसर्च है वो आपकी वापस आनी चाहिए। हाँ अब तुम्हारा सीनियर एक्शन होल्ड करता। तो NARS जो है इनको ये वाली चीजों की प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये अपने उसके ऊपर काम करेंगे, क्या बोलते हैं, फीडबैक सिस्टम के ऊपर अगर ये लोग ढंग से काम करना स्टार्ट करेंगे अपना, तो इनको बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। अगर ये अपना फीडबैक सिस्टम के ऊपर काम करना नहीं करेंगे तो इनको आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, सेकेंड चीज है, NARI शुड प्रोवाइड बेटर सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी। प्राइवेट सेक्टर के पास एक एडवांटेज ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बंधी हुई होती है, ठीक है ना? अगर तुमने काम किया तो तुम्हें काम का परिणाम मिलेगा, और नहीं किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हाँ ठीक है? अगर हम प्राइवेट सेक्टर को हेल्प कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर अगर इंक्रीज करेगा, हेल्प करेगा, इम्प्रूव करेगा, तो वो ज्यादा रिसर्च से एसोसिएटेड चीजों के अंदर फंड भी कर पाएगा। अगर मेरी प्राइवेट कंपनी है, अगर मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से शुरू के अंदर हेल्प मिल रही है और मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, अगर मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ तो जब बाद में गवर्नमेंट सेक्टर को रिक्वायरमेंट होगी तो मैं फंडिंग भी दूंगा, ठीक है ना? तो हाँ ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी एरियाज जो हैं, इसको ये जो NARI हैं, ये इनके ऊपर वर्क कर सकता है। ये तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से कंडक्ट करी जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं और इंस्टीट्यूट हैं जो कि इसके अंदर वर्क कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके से सबके ऊपर वर्क हो रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि मेज के ऊपर काम कर रही हैं, कुछ हैं जो कि सॉइल साइंस के अंदर काम कर रही हैं, कुछ हैं एंटोमोलॉजी के ऊपर काम कर रही हैं, कुछ माइक्रोबायोलॉजी पे काम कर रही हैं। इस तरीके से जितने भी जगह हैं, लोकेशन हैं, उन सब के अंदर ये सारे काम चल रहे हैं। अच्छा, ईच हैज डेवलप्ड स्पेशल केपेबिलिटीज एंड हैज एडवांटेजेस इन एड्रेसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ दी कंस्ट्रेंट टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं आसपास की, जो भी इसके अंदर काम कर रही हैं, उन्होंने अपनी अपनी स्पेशलिटीज के ऊपर काम करना शुरू करा है, और उन्होंने अपने अपने एरिया के अंदर स्पेशलिटी बना ली है। कुछ हैं जो कि प्योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर काम करती हैं, कुछ हैं जो स्पेसिफिक एक प्लांट के ऊपर काम करती हैं, कुछ हैं जो स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर काम कर रही हैं, उनका जो काम है वो उस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है, उस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा काम हो रहा है उनका, ठीक है ना? तो अब जैसे तुम अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी ले लो, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पेसिफिक एक किसी स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर काम कर रही है, वहाँ बहुत ज्यादा ब्रॉड उसका होराइजन है। सारे के सारे उन्होंने जो, अगर तुम वहाँ पे उनकी रिसर्च वो देखोगे, क्या बोलते हैं,
पुरानी रिसर्चेज अगर तुम देखोगे उनकी, तो हम्म, उसमें तुम्हारे को पता पड़ेगा कि उन लोगों ने बहुत सारा काम जो है बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स के ऊपर कर रखा है. ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, क्रॉप प्लांट्स हैं, कुछ लोग जो है वो सिर्फ सिर्फ उनके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे रोज हो गया, ठीक है. तो इस तरीके से वहां पर काम चल रहा है. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलाइजेशन जो है वो एक पर्टिकुलर उसके ऊपर है, ठीक है ना. हाँ ये जो सर। इंस्टीट्यूट है ये एक तो पार्टनरशिप के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और पार्टनरशिप पे क्या होता है, जैसे मेरे पास एक पर्टिकुलर टेक्निक की एडवांटेज है, सपोज मुझे बहुत अच्छे से पीसीआर करना आता है, और दूसरी कंपनी है जिसको जिसके पास जीन सीक्वेंसिंग का बहुत बड़ा वो है कैपेबिलिटी. तो हम दोनों ने पार्टनरशिप कर लिया कि लोग बाग मेरे पास आएंगे, मैं उनका पीसीआर टेक्निक से आइडेंटिफाई करूंगा कौन सा जीन उनका वर्क कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, और जो मेरा पार्टनर है वो उन जीन्स को सीक्वेंस करके इन्फॉर्म कर देता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर जीन है. तो पार्टनरशिप में काम कर रही है सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, है ना. हाँ मेजर चेंजेस जो है साइंस में, फार्मा अवेयरनेस एंड डिग्री ऑफ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इज इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड इन प्रायोरिटीज विद इन एड एजेंसीज. दिस हैज प्रोफाउंडली अफेक्टेड द फेस ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इन रिसेंट ईयर्स एंड दिस विल कंटिन्यू टू बी देयर. इसमें क्या हो रहा है, मेजर चेंज जो आया है वो आया है फार्मर की अवेयरनेस पे, उनको किस तरीके से अवेयरनेस मिल रही है, ठीक है ना. उनकी जो अवेयरनेस का एडवांटेज क्या होता है, जैसे फार्मर को नई टेक्निक के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो फार्मर जो है उस टेक्निक के यूटिलाइज भी कर पाएगा और उसका एडवांटेज भी ले पाएगा, हम्म, ठीक है ना. और ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है कलेक्टिव, जिस तरीके से ये चेंज आया है, दिस चेंज इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द फार्मर्स, ठीक. ओके. हाँ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस मस्ट नाउ रीडिफाइन देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अडैप्ट टू रिड्यूस्ड रिसोर्सेज एंड टू रैपिडली चेंजिंग डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चरल रिसर्च. अब जो काम आ रहा है, ये जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनको अपने रोल्स चेंज करने पड़ेंगे, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जिससे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज को कम यूज करें, है ना, और जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें. और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये लिंक होते जा रहे हैं एक दूसरे से, एक ग्लोबल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम बन रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे वेटनरी साइंस के अंदर सपोज काम कर रहा हूँ, तो एक डॉक्टर है जो कि यूके में वेटनरी साइंस के अंदर काम कर रहा है. अब वो काम कर रहे हैं सपोज करो एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीसीज पे जो कि मुर्गों के अंदर डिजीज कॉज नहीं करता है, लेकिन मुर्गों के थ्रू इंसान में डिजीज कॉज करता है. कुछ डिजीज होती अच्छा है ना जो कि भाई अपने स्टमक में बैक्टीरिया होते हैं, अब वो गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं. इस तरीके से जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया तो अपने स्टमक में डिजीज कॉज कर देगा, लेकिन गुड बैक्टीरिया नहीं करेगा अपने स्टमक में, वो अपन को हाँ बेनिफिट देगा. कुछ हाँ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे स्टमक में ना तो गुड होते हैं ना बैड होते हैं, वो हमारे स्टमक के अंदर ग्रो करते रहते हैं एक लिमिट तक. उनका थोड़ा बहुत हाँ एडवांटेज होता है, थोड़ा बहुत अगर क्वांटिटी उनकी कॉन्स्टेंट रहे तो एडवांटेज होता है, क्वांटिटी बढ़ जाए तो डिसएडवांटेज होता है. इसी तरीके से जो बाकी जानवर होते हैं उनके अंदर भी इस तरीके के माइक्रोब्स पाए जाते हैं. तो वो वर्क कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में यूके वाले. हम लोग काम कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग के ऊपर. हमारे यहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ कि, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें, एक इंसिडेंस हुआ कि यहाँ पे कोई हमारे से मुर्गा लेके गया और उसको बहुत सिवियर डायरिया हो गया. उस अच्छा डायरिया जो डायरिया हुआ वो डायरिया इतना सिवियर था कि ही वाज अनेबल टू वर्क फॉर एटलीस्ट 2 वीक, 15 डेज की उसकी सैलरी नहीं आई. तो दैट्स अ बिग लॉस, 15 दिन की सैलरी नहीं आना बहुत बड़ा वो होता है. अब डॉक्टर्स ने यहाँ पे इंडिया के अंदर डॉक्टर्स ने उस माइक्रोब के बारे में उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, कौन सी एंटीबायोटिक है,
जो उसको मार सकती है। लेकिन पता पड़ा कि वो एमडीआर है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन है, तो फिर वो कांटेक्ट करेंगे यूके वाली टीम को, भाई हमारे पास ऐसा ऐसा स्ट्रेन आया है जो कि नया है और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। स्ट्रेन बैक्टीरिया तो वही है जिस पे आप काम कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर म्यूटेशन हो गए हैं। तो इस तरीके से एक लिंक बनता जाता है, हाँ समझ गए? हाँ विद इन दिस इवॉल्विंग सिस्टम ईच कॉम्पोनेंट विल हैव टू डिटरमाइन इट्स कंपेरेटिव एडवांटेज टू फाइंड टू इट्स निश एंड टू डेवलप द नेसेसरी पार्टनरशिप विद अदर कॉम्पोनेंट टू मैक्सिमाइज सिनर्जी टू रिड्यूस ओवरलैप एंड रिडंडेंसी एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू बेनिफिशरीज इन अ डिमांड ड्रिवन सिस्टम। जो चीज मैंने अभी तुम्हें समझाई, तीन हाँ चीजें थी। एक यूके में माइक्रोबायोलॉजी पे काम कर रहा था, यहाँ पे हम पोल्ट्री पे काम कर रहे थे, और जो हमारे हॉस्पिटल्स थे वो मेडिकल लाइन पे काम कर रहे थे। तो हमने अपने अपने एडवांटेजेस देखे। यूके वाले ने देखा कि वो माइक्रोबायोलॉजी पे मोलबायो पे काम कर सकता है, हम लोगों ने देखा कि हम पोल्ट्री की कंडीशंस जो है वो इस तरीके से रखें जिससे कि वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो है उसकी क्वांटिटी कम हो, ठीक है? और जो मेडिकल सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि अगर इस बैक्टीरिया से डिजीज होती है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है, कंट्रोल हाँ करा जा सकता है ना? तो इन सब में क्या हो रहा है कि हमने अपने अपने पार्टनरशिप करने की कोशिश करी। हमने सबसे पहले तो अपना निश ढूंढा, हमने वो एरिया ढूंढा जहां पर हम सबसे ज्यादा एडवांटेज में रह सकते हैं, उसको निश बोलते हैं, ठीक है? फिर किस तरीके से हम एडवांटेज दे सकते हैं, किस तरीके से हम सिनर्जीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमने कुछ जगह थी जहां पर हमने ओवरलैप्स भी रिड्यूस करे। ओवरलैप्स हमने कैसे रिड्यूस करे कि हमने 5 हॉस्पिटल लेने के बजाय हमने 2 ही हॉस्पिटल लिए, क्योंकि हमें पता है कि 5 के 5 हॉस्पिटल के अंदर अगर हम अपने सैंपल्स भेजेंगे और 5 के 5 हॉस्पिटल हमारे को सेम इंफॉर्मेशन देंगे, तो हमारे को हर एक हॉस्पिटल का वेट करना पड़ेगा, है ना? तो इससे हमने अपने इस तरीके से एक वेब बनता है। अब दिस में अकर इन अ डेलिबरेट प्रोसेस फ्रॉम विद इन द इंस्टीट्यूट और थ्रू मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स एंड स्टेक होल्डर्स एंड क्लाइंट डिमांड, ठीक है ना? अच्छा, इसमें क्या हुआ, ये चीज जो है ये हम जानबूझ के कर सकते हैं। जैसे मैं पोल्ट्री वाला हूं, मेरा यूके में भी कॉन्टैक्ट है, हॉस्पिटल में भी कॉन्टैक्ट है, तो मैंने उनको कंबाइन कर लिया, ज्वाइन करने में हेल्प करा। और ये हो सकता है कि भाई जो अपना लोकल मैकेनिज्म है, जो यहाँ पे पंचायत जो है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, वो इस सिचुएशन को देख के, जैसे कि कोविड केस में हुआ है, कोविड केस में जो स्टेक होल्डर्स और क्लाइंट्स हैं इनकी डिमांड को देखते हुए ये सारी चीजें हुई हैं, है ना? तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का जनरेशन भी होता है और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी होता है। द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम आर द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम और द एनएआरएस, ठीक है? दीज आर बिलोंगिंग टू बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री एंड दे इंक्लूड योर प्राइवेट एंड अदर एनजीओ ऑल्सो, ठीक है? साथ में इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स भी हैं, IARC, ये भी सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है। In 1995, developed country NARS accounted for about 48% of global research expenditure, with one third of scientists, while developing country NARS accounted for about the same proportion of expenditure, but nearly two third of scientists. तो NARS जो है आपके नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम जो थे, 48% ग्लोबल रिसर्च को डोनेट कर रहे थे एक्सपेंडिचर वाइज, ठीक अच्छा है ना? इन लोगों ने बहुत सारे साइंटिस्ट दिए हैं हमारे को, इन लोगों ने बहुत सारा पैसा दिया है हमारे को। अच्छा एक बात बताओ, रिसर्च कोई सस्ती तो होती नहीं है, रिसर्च बड़ी महंगी चीज होती है। अगर तुम्हारे किसी पर्टिकुलर उसके ऊपर रिसर्च करनी है तो तुम्हारे को फंड चाहिए, तुम केमिकल्स कहाँ से खरीदोगे? केमिकल्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, अपनी जेब से तो लगाओगे नहीं, तुम्हारे पास तो सिर्फ सैलरी आ रही है, तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा जो है ये फंडिंग एजेंसीज देती है। अब ये फंडिंग एजेंसी किसकी बनी हुई होती है? फंडिंग एजेंसी गवर्नमेंट की बनी हुई होती है और प्राइवेट सेक्टर की बनी हुई होती है। इन दोनों को अगर लगता है कि हाँ भाई इस रिसर्च के ऊपर आगे जाके एडवांटेज होगा,
तो ये उसके ऊपर फंड करती है। अब एक तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, 16 करोड़ का एक इंजेक्शन आता हाँ, अभी तक तो नहीं है पढ़ा। ना, अभी तक नहीं पढ़ा। एक बीमारी होती है उसके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर एक प्रोटीन आपका काम करना बंद कर देता है। अच्छा। तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन होता है, उसके अंदर आपका जो इंफॉर्मेशन पाथवे जो होता है वो ब्लॉक होने लगता है। अच्छा, धीरे धीरे उसके आपकी मसल्स जो है वो मरने लगती हैं। अब हाँ। ये बहुत अर्ली एज में पता पड़ जाता है, एक अच्छा 6 महीने 8 महीने की एज में ऐसे ही कुछ में आपको पता पड़ जाता है कि पर्टिकुलर बीमारी है। तो अब क्या हो रहा है कि इस बीमारी का जो इंजेक्शन है ये इतनी रेयर बीमारी है कि करोड़ों लोगों में से एक जने को होती है। तो इसके ऊपर रिसर्च हो ही नहीं रही है ढंग से। अब इसकी जो दवाई है वो एक इंजेक्शन लगता है जो कि 16 करोड़ रुपए का आता है। कैन यू बिलीव दैट? इमेजिन। अब इतना महंगा ये इंजेक्शन क्यों है? वो इतना महंगा इंजेक्शन इसलिए है क्योंकि जो कंपनी ने इसको बनाया है उसने अपनी रिसर्च करी है इसके ऊपर, तो उसने रिसर्च पे पैसा लगाया है। अब वो जो रिसर्च पे पैसा लगाया है वो पैसा इनको वापस भी तो लेना है। तो जो पैसा इनको वापस लेना है वो पैसा ऐसे थोड़ा ना वापस आ जाएगा, ये तो जनता से इकट्ठा करेंगे पैसा। तो रिसर्च जो होती है उसके अंदर पैसों का आदान प्रदान होता है। अगर मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ तो जो फंडिंग एजेंसी है वो मुझे पैसा तभी देगी जब इस रिसर्च का कोई ना कोई फाइनेंशियल आउटपुट निकलेगा। कहने को तो ये लोग कहते हैं कि भाई रिसर्च जो है आपकी वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ ये सब बेकार की बात है। ये जो आपकी रिसर्च हो रही है ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ही हो। अच्छा। ये जो रिसर्च है ये फाइनेंशियल ग्राउंड पर ही होती है। सब लोग यही देखते हैं कि भाई आपकी जो रिसर्च है वो फाइनेंशियल ग्राउंड पर ही होनी चाहिए। आप समझ रहे हो बात को? अब हम देखते हैं NARS जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के हैं, ठीक है ना। जो ग्लोबल आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च हो रही है इसके अंदर ये NARS जो हैं ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन है कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं अपने अपने पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, अपने अपने पर्टिकुलर रीजन के अंदर। एंड अंडरस्टूड की बात है, अगर इंडिया के अंदर कोई पर्टिकुलर NARS रहेगा तो वो कोशिश तो पहले यही करेगा ना कि भाई इंडिया के अंदर हमारा सारा का सारा वो क्लियर हो, एडवांटेज पहले इंडिया को मिले। तो ऑब्वियसली। तुम भी अगर कुछ घर में सामान खरीद के लेके आती हो, नया टीवी लेके आती हो, तो सबसे पहले तो तुम घर वालों के साथ बैठोगे ना, फिर पड़ोसियों को बताओगे। हाँ, आफ्टर ऑल तुमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है इतना सारा, वही है ना भाई। तो ऐसा। दीज NARS दे आर बेसिकली द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम एंड देयर बेसिक वर्क इज टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन देयर ओन कंट्रीज। दे आर मेड अप ऑफ वेरियस नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट NARI, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, NGOs एंड फार्मा ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के वो मिलकर बनते हैं। कुछ की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और कुछ अभी अभी चालू हुए हैं, ठीक है ना। फिर गिवन द डाइवर्स नेचर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड द लोकेशन स्पेसिफिसिटी ऑफ स्मॉल फार्म प्रोडक्शन एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम, NARS ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट प्ले एन इवन लार्जर रोल इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। दे फेस अ मेजर चैलेंज टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ देयर क्लाइंटेल। अब इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशन अलग है। इंडिया में भी जैसे जैसे तुम नॉर्थ से साउथ जाते जाओगे या ईस्ट से वेस्ट जाते जाओगे, तुम्हारे को 10 टाइप के एनवायरमेंटल मिलते जाएंगे, 10 टाइप के तुम्हारे को
जो लैंड टाइप है वो मिलता जाएगा। एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती जाती है, नॉर्थ से साउथ जाते हुए लैंड चेंज होता जाता है, सॉइल चेंज होता जाता है ना। तो ये हाँ सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आपके लिए एक चैलेंज है, और जो एनएआरएसएस हैं आपके, उनको इन चैलेंजेस को अब रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, और इनके लिए ही ये चीज ही बेनिफिशियल है। क्योंकि क्लाइंट तो यही देखेगा ना कि मेरा रीजन है राजस्थान रीजन है, ड्राई रीजन है, तो ड्राई रीजन में हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनएआरएस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। अब वही चीज अगर तुम साउथ में चले जाओ, तो जहाँ पे कोस्टल एरिया है, तो वहां पे राजस्थान जैसा सेम थोड़ी ना होगा, वहां तो फिशरीज देखेंगे, तो वहां पे फिशरी से ज्यादा एसोसिएशन है। तो इस तरीके से ये जो आपके रिसर्च सिस्टम्स होते हैं, ये वर्क करते हैं। यही सेंटेंस यहाँ आ गया, द एनएआरएस इन डेवलपिंग कंट्रीज वेरी ग्रेटली इन नंबर ऑफ रिसर्चेस एंड फंडिंग रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम। अंडरस्टूड सी बात है। द सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नंबर ऑफ वेल ट्रेन साइंटिस्ट वर्किंग इन दीज एनएआरएस हैज बीन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ द पास्ट डेकेड। इसके अंदर जो एनएआरएस के अंदर अब जो साइंटिस्ट वगैरह आ रहे हैं, ये लोग भी एडवांटेज दे ही रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ दीज साइंटिस्ट आर अंडरफंडेड एंड दस मच लेस प्रोडक्टिव देन दे कुड बी, येट इन ऑल केसेस द एनएआरएस हैव अ की रोल टू प्ले इन प्रोवाइडिंग द क्रिटिकल लिंक बिटवीन ग्लोबल रिसर्च सिस्टम्स एंड रिसर्च यूजर्स पर्टिकुलरली फार्मर्स। ये जो फंडिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये फंडिंग की बात बड़ी मजेदार सी है। एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक्सआरडी आई थी 1 करोड़ की, 6-8 महीने वो बाहर पड़ी रही बारिश बारिश में, धूप के अंदर और वो सब। फिर जब अखबार में खबर आई इसकी कि 1 करोड़ रुपए की मशीन बाहर पड़ी हुई है, तब जाके इन्होंने अंदर लिए उसको। ये तो मेरी आंखों के सामने की बात है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के पास फंड्स नहीं है, फंड हैं पर उनको यूटिलाइज करना नहीं आ रहा है। सेम केस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज की तारीख में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक भी जो सीसीटी है इनका डिपार्टमेंट, उसके अंदर एक भी इंस्ट्रूमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा है। अभी हमारे को एचपीएलसी करवानी थी, तो एचपीएलसी के लिए पता पड़ा तो वहां से इंफॉर्मेशन ही आई कि भाई अभी आप मत करवाओ क्योंकि हमारे पास एचपीएलसी काम नहीं कर रही है। 20-22 लाख का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ऐसे कैसे काम नहीं कर रहा है, क्या कारण है वो काम नहीं कर रहा है? क्योंकि लोग बाग उस पर काम करना नहीं चाहते। वहां का एक मेंटालिटी अलग होती है, इंडियन मेंटालिटी जो है वो एक अलग तरीके की है। सेम केस तुम अगर देख लो बाहर की कंट्रीज में, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे अगर इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाता है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की मुसीबत हो जाती है कि इंस्ट्रूमेंट बंद कैसे हुआ। यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता है कि इंस्ट्रूमेंट बंद है। तो अपनी लैब में ही देख लो तुम, ज्ञान विहार में अगर इंस्ट्रूमेंट वो ऑटोक्लेव खराब पड़ा है, तो ऑटोक्लेव खराब ही पड़ा है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोबायोलॉजी की लैब में। बड़ी मुश्किल से इनके पास केमिकल्स पड़े हैं, वो 15-15 साल पुराने पड़े हैं। कभी यहाँ आओ तो तुम लैब में, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, 10 साल पुराने तुम्हारे केमिकल्स मिल जाएंगे डब्बे। इमेजिन, है ना? तो फॉलोइंग सीजीआईआर मीटिंग फॉर पॉलिटिकल लीडर्स इन फेब्रुअरी 1995 इन स्विट्जरलैंड, अ नंबर ऑफ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एनएआरएस इन डेवलपिंग कंट्रीज एनकरेज रीजनल डिस्कशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन द रीजन इन जनरल एंड द रोल दैट द सीजीआईआर सिस्टम कुड प्ले इन पर्टिकुलर। 1995 की जो मीटिंग हुई थी स्विट्जरलैंड के अंदर, उस पॉलिटिकल लीडर्स की, उसके अंदर उन लोगों ने ध्यान दिया कि भाई एनएआरएस जो है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर थोड़ा सा परेशान हो रहा है, तो उन लोगों ने यहाँ पे अलग तरीके से उसकी अप्रोच यूज करी, यूज करने के लिए कि एनएआरएस को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑल द मीटिंग्स रीजनल मीटिंग्स कंडक्टेड इन 1996 फॉर सब सहारन अफ्रीका एंड द एशिया एंड पैसिफिक एंड लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्ट्रेस द नीड टू इन्वॉल्व बोथ द एग्जिस्टिंग रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मोर क्लोजली इन द सेटिंग ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एजेंडा।
इन लोगों ने क्या बोला कि आप रीजनल के ऊपर ही स्ट्रेस मत करो, आप रीजनल को ये मत बोलो कि सिर्फ आपका एरिया है तो आप उसके ऊपर वर्क करो। अब जैसे अगर अपना राजस्थान का वो है IRI जो है जयपुर वाली, उसके तो ना बोलेंगे अपन भाई तुम जयपुर वाले जो राजस्थान है उसी के ऊपर ही काम करो, उसके बाहर का काम मत करो। अगर तुम्हारे पास फैसिलिटी है, तुम्हारे पास मैन पावर है और वो मैन पावर यूटिलाइज कर सकती है अपने आप को, तो तुम दिल्ली से प्रोडक्ट्स मंगवाओ टेस्टिंग के लिए, साउथ से मंगाओ। तो ये सारी चीजें रीजनल और नेशनल लेवल के ऊपर पॉसिबल करने की कोशिश करी जानी चाहिए। हम बात कर रहे हैं NARIs की, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की। डेवलपिंग कंट्रीज NARS हैव इन द पास्ट बीन डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर NARI, ठीक है। जो आपके पब्लिक सेक्टर के NARIs हैं वो पहले डोमिनेट कर रहे थे NARS को। दीज इंस्टीट्यूशंस सफर फ्रॉम द वीकनेस कॉमन टू पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूडिंग लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, susceptibility to political interference, lack of responsiveness to client demand, limitations in funding and lack of infrastructure. ये तो अपन देखते ही आए रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कि पब्लिक सेक्टर का जो काम है वो कैसे चलता है, ठीक है ना। इट इज इम्पेरेटिव दैट दीज इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस बी एड्रेस्ड, द ग्लोबल रिसर्च सिस्टम विल नॉट बी इफेक्टिव विदाउट स्ट्रॉन्ग NARI। एक सेकंड होल्ड करना।